वहां आने का जरूर कोई आसान रास्ता होगा, जहां से हमारा सामान ले आए। जानबूझ के हमें गंदे से सुरंग में डाल दिया। अरे आशका, ये लोग ऐसा ही करेंगे। हर एक चीज हमें गंदे, डरावने और मुश्किल रास्ते से मिलेगी, वरना इनकी चैनल को अच्छी टीआरपी कहां से मिलेंगी ना। तो तुम्हें क्या लगा ये रियलिटी शो है? यहाँ 5 करोड़ हमें सिर्फ खाने पीने और ऐश करने के नहीं मिल रहे हैं, इसे जीतना आसान नहीं है। मुझसे पूछो। ओह, आई थिंक दैट्स माय रूम। बाबा, थकी हुई हूँ, जा रही हूँ मैं रूम में, खाने के लिए बुला लेना। पहले ये तो पता चले कि खाना लगा कहाँ है। मैं देखती हूँ और फिर सबको बुलाती हूँ। मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ। कैमरे किधर लगे हैं? कुछ नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कैमरास ऐसी जगह लगाए होंगे जो हमें दिखे ना, हिडन कैमरास। ये जगह क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रियलिटी शो है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जगह क्या है, खतरा कहाँ है। मैं यहाँ देखा कौन बचा, मुझे नहीं खेलना। कनास प्लीज आवाज दो। कनास तनास 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 बख्तियार 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 आइए चल चल बख्तियार 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 और मैंने कहा ना मजाक है। बाय द वे, यहां पे खाना लगा हुआ है। मैं सबको बुलाकर लेकर आता हूं। खुशबू तो अच्छी आ रही है। नहीं, इतने अच्छे से सजाया भी है। वाह, देख लो भाई खाने में क्या है। कटा हुआ हाथ। एक मिनट गाइस, मैं देखता। रहने दो गौतम। नहीं गौतम, रहने दो। आज का एक मिनट। अरे क्या कर रहा, क्या कर रहा, मत हाथ लग, हाथ मत लगा। अरे गौतम रहने दो। रबर क्या है यार, मत मजाक कर रहा था। देखिए मैं इसको रखता हूँ, हम सब खाना खाते हैं अभी। कैसे खाने के साथ ऐसी मजाक करता है कोई? अगर ऐसा ही मजाक करते रहे तो यहाँ एंड तक कोई भी नहीं रुकेगा। तो क्या, मुझे नहीं खाना है, मेरी भूख मर गई। आशका देखो कुछ खा लो, ये टीवी शो है, ये सब वो तो करते ही रहेंगे हमें डराने के। विद्वान सही कह रहा है, चलो खाते हैं। अब छोड़ो भी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं खाना खा रहा हूँ। केतकी जी आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। ना पापा ना,
मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, पता नहीं इसमें कौन सी चम्मच किसमें डाला होगा, शी मुझे नहीं खाना है। रोशनी मैं तुम्हारे लिए कुछ डालता हूँ? नो थैंक्स। देखो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर तुम खाओगे नहीं तो तुम जी नहीं पाओगे, और अगर जी नहीं पाओगे तो वो 5 करोड़ रुपए कैसे जीत पाओगे? किसी ने 5 करोड़ बोला? गाइस 5 करोड़ से याद आया, अगर हमें एंड तक रहना है तो साथ में रहना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। और हाँ, खास करके उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो शेर आया ऐसे नहीं बोले, क्योंकि अगर जब असल में शेर आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कैसे रिएक्ट करें। सो गाइस जस्ट लेट्स चिल। एक्सक्यूज मी बख्तियार, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो डायरेक्टली क्यों नहीं कहते? ये इनडायरेक्टली कहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और सबके सामने ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करना, ओके? क्योंकि अगर मैं इस रियलिटी शो में अकेली भी आती ना तो मैं ऐसे रिएक्ट करती, ओके? सो माइंड योर ओन बिजनेस। रहने दे, वो बुरे मूड में। जनता पागल हो जाएगी ये सब देख के। टीम ने भी ना क्या कमाल की चीजें डाल रखी है हवेली में। खाने के जगह कटा हुआ हाथ, कुछ लोग तो काफी डरे हुए हैं, नहीं? अभी सच पूछे तो मैं भी डर गया, बल्कि अभी भी डर रहा हूँ। अरे 12 नंबर कैमरे का क्या हो गया? जी के कमरे से तो कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है, अब क्या करें? सबके सामने क्यों? क्यों? क्या कर रहा है तू बख्तियार? अरे वो मजाक कर रही थी, तू अपना मूड क्यों खराब कर रहा है? तू तो ऐसे ही कहेगा ना यार, तेरी शादी थोड़ी ना हुई है, एक बार तेरी शादी हो जाएगी तो तू ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन तूने भी प्यार किया था इसलिए शादी की थी ना? प्यार किया था? एक्सक्यूज मी, अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं तनाज से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसे खोना नहीं चाहता। और मेरे होते हुए तनाज को कुछ भी नहीं होगा। यस, मेरे होते हुए तनाज को कुछ भी नहीं होगा। इतना प्यार करता है ना तो देख लेना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चुटकी में गायब हो जाती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स? तू तनाज को जानता नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स एक तरफ और तनाज एक तरफ। तनाज दिखने में काफी तेज है, यू नो व्हाट, आई विल बाय यू ऑफ, डिसअपीयर डिसअपीयर, लेकिन तनाज बच्ची है मेरी तनाज। डैम इट, आई डोंट नो व्हाई बख्तियार मुझे बच्चा समझता है। अरे मैं तो खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, बच्चा तो वो है वो, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो सब लोग मुझे ही गलत समझेंगे, खास करके केतकी जी। अरे देखो भाई, मैंने बेडशीट बदली है तुम लोगों की, हाँ मतलब ये साफ होगी, लेकिन मुझे मेरी बेडशीट पे सोने की आदत है इसके लिए। और पूरे घर में कीड़े मकोड़े घूम रहे, पता नहीं इस पे क्या क्या चढ़ा होगा, इसके लिए सॉरी। हाँ मुझे पता नहीं कैमरा कहाँ पे लगा है, लेकिन बात मतलब सुनाई दे रही है ना मेरी आप लोगों को? पता है मुझे ये सब आप लोग हमें डराने के लिए कर रहे हो, लेकिन प्लीज खाने के साथ ऐसा मत करो। हाँ कौन है? रोशनी जी, मैं
जान। I'm sorry, मैंने आपको देखा नहीं। सब कुछ ठीक है? Sorry तो मैं हूँ, आपको डिस्टर्ब कर दिया। आपके पास एक्स्ट्रा बैटरीज होगी क्या? मेरा टॉर्च बंद पड़ गया है। ओके, मैं चेक करती हूँ। I'm sure मेरे पास होंगी। One minute. पर सच कहूं तो वो पहली बार जब मैंने हाथ देखा था ना तो थोड़ा सा घबरा गया था। पर यहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी हमें डराने के लिए। हाँ, प्रोड्यूसर्स ने बताया था कि इस शो पर आज तक का सबसे बड़ा प्राइज मनी अनाउंस, तो मुश्किल तो होगा। आज का मैं रोशनी के बारे में सोच रहा था। दैट शी इज अ ब्रेव गर्ल, बिल्कुल नहीं डरती इन सब चीजों से। जान, जान जी, दुनिया में जीने के लिए निडर होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी अब तो जिंदगी में इतना कुछ देख लिया कि किसी भी चीज से डर नहीं लगता। इसीलिए तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा मतलब है बहुत स्ट्रॉन्ग। अबे अजीब है ये शो, आगे जाके खतरनाक भी हो सकता है और खतरनाक हो रहा है। मैं तनाज से बहुत प्यार करता हूँ, दैट्स इट, मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन तनाज ये बात समझने को राजी नहीं है। एक मिनट, तूने कहा ये शो खतरनाक है, अजीब, क्यों? तुझे क्या लगता है कि असली आत्मा आने वाली है यहाँ जगह पर? विवान, तू ऐसे ही आ गया क्या? कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा तूने? नहीं, क्यों, क्या लिखा है उसमें? कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, इस घर में एंट्री करने के बाद कुछ भी हो सकता है और बहुत कुछ हो रहा है। कल रात से मेरी नहीं, मतलब क्या है कि मैं शाकाहारी हूँ ना, और फिर हम लोग को आप ये फेफड़े, कटा हुआ हाथ, ऐसा सब दे दोगे ना, कैसे चलेगा? और अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और फिर अगर मैं मर गई तो ये 5 करोड़ किसको मिलेंगे? नहीं चलता ना ऐसा सब। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी? हाँ, है ना, इसलिए प्लीज मेरी रिक्वेस्ट। फ्रेम अपने आप कैसे गिरी? ये तनाज की आवाज है। किसी को कुछ हुआ है। तुम कैसे चीखते? मैं देखता। मैं भी साथ में आ रही हूँ। चलो संभाल के आना। ये सब क्या हो रहा है? ये किसकी चीत थी? पता नहीं, मैंने सुनी। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आवाज सुनी पर पता नहीं कहाँ से आई। ये किसकी चीख है? और हम सबको यही है ना? केतकी जी। हाँ, चलो। केतकी जी आप ठीक तो हैं? दरवाजा खोलिए। केतकी जी दरवाजा खोलिए प्लीज। केतकी जी आप ठीक तो हैं? दरवाजा खोलिए। कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? आप ठीक हैं? मुझे क्या होगा? हमें आपकी चीखने की आवाज आई थी, इसलिए हम सब। मैंने तो नहीं चीखा, इनफैक्ट तुम लोग ने आके मुझे डरा दिया। लेकिन हमने आपकी चीख सुनी थी, वो आपकी चीख नहीं थी? नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं चीखी हूँ, और मैंने किसी के चीखने की आवाज भी नहीं सुनी। देखिए जी, हमने चीख सुनी, हम सब ने चीख सुनी। Wait a minute, कहीं आप भी तनाज की तरह हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही हैं? Hey, रोशनी, mind it. हर बात में तनाज को बीच में मत लाओ। बोला ना बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 100% एक पीस में, okay? कमाल है केतकी जी,
आपको वो चीख सुनाई कैसे नहीं थी? वो सब जाने दो, तेत कीजिए, ठीक है, यही बहुत है। एनीवे, थैंक यू, आप लोग मेरे लिए घबरा के मुझे ढूंढने आए तो सही, अब मैं आराम से सो सकूंगी। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये कैसे टूट गया? पता नहीं, रखा था वहां पे, अचानक गिर गया। हवा से गिर गया होगा। वैसे आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। बहुत नहीं, सबसे ज्यादा प्यारे हैं। कोई बात नहीं, टूट गया तो यहाँ पे है ना मेरे पास, ये देखो। बहुत स्वीट हैं आपके बच्चे, अपनी माँ को टीवी पे देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, है ना? हाँ। अच्छा केत कीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट जान भाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.